सूजी का छिलका, जिसके लिए मैंने गाजर घस लिया है, शिमला मिर्ची, बंधा गोभी, प्याज, फूलगोभी और यहाँ पे थोड़ा सा आलू और नारियल भी मैंने ले लिया है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा का सब्जी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये खाने में भी टेस्टी होगा और हेल्दी भी होगा। आप चाहे तो गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा नरम होने देंगे सब्जी को और फिर इसे हम सूजी में मिलाएंगे। देख सकते हैं 2 चम्मच ऑयल ले लें, इससे ज़्यादा नहीं। सूजी में छौंके डालने के लिए कड़ी पत्ता और पीला और काला सरसों दोनों मिक्स मैंने ले लिया। 2 हरी मिर्ची ले ली है। इन सबको हम इसमें, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाने पे, इस गर्म हो गया, अब हम इसमें इन सभी को एक साथ डाल देते हैं। ये थोड़ा सा लाल होने दे, उसके बाद हम सारी सब्जियां भी डालेंगे इसमें। अब हो गया हमारा, पक चुका है ये। अब हम इसमें सारी सब्जियां एक एक करके डालेंगे। पहले प्याज, फिर फूलगोभी, और ये मैंने जो आलू लिया था, नारियल को और अदरक को हम सबसे आखिरी में डालेंगे। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। आप चाहे तो इसमें नमक डालें और नहीं तो मैं नमक सूजी में डालूंगी, इसलिए इसमें मैं नहीं डाल दूंगी, और आप चाहे तो डाल सकते हैं। और हम इसे 20 मिनट के लिए ढक नहीं आ सकते हैं, ज़्यादा तेज आँच ना करें। सब्जी बन गया है। अब इसमें हम ये नारियल जो है इसे सबसे आखिरी में डालें और हल्का सा इसे नरम होने तक पकाएं। सब्जी हो चुका है, हम गैस बंद कर लेते हैं। और सूजी के लिए मैंने हल्का सा पानी गर्म कर लिया, अब सूजी घोलेंगे। सूजी ले लिए, इस कटोरी से आप 1 कटोरी या 2 कटोरी अपने अनुसार ले लें। मैंने 2 कटोरी सूजी ले लिया और इसमें स्वाद अनुसार नमक ले लिया। मैं जो मैंने सब्जी डाला है, फ्राई किया था, उस सब्जी को भी डाल दें। फिर इसमें हम सबसे आखिरी में पानी मिलाएंगे। आप हल्का सा बॉईल कर लें, ज़्यादा ज़्यादा गुनगुना मतलब नहीं, हल्का सा बॉईल कर लें और इसमें धीरे धीरे मिलाएं। कुछ मिला लिया है और पानी भी, इसे हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा सूजी अच्छे से फूल जाए इसमें, और इससे ज़्यादा पानी आप ना डालें। फूलने के बाद में आप अपने अनुसार पानी डाल दें। 20 मिनट हो चुका है और ये फूल गया है, और देख सकते हैं इसमें मैं और पानी नहीं मिला रही हूँ, जितना मैंने मिलाया था उतना ही छोड़ दे रही हूँ। आप चाहे तो इससे पतला भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा तावा अब हम चढ़ाने जा रहे हैं, गर्म हो गया। अब इसमें हम हल्का सा ऑयल डालते हैं पहले, फिर उसके बाद हम इसे मिक्सर को डालेंगे। और गैस को आप धीमी आंच में कर लें, हल्का सा, लो मीडियम में। और इसे एक ढक्कन से ढक दे, बस 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। हम इसे उघाड़ लेंगे और देख सकते कितना अच्छा ही बना है ये। अभी मैं इसे पलट लेंगे। एक तरफ मैंने पलटी कर दिया, अब इधर भी हम 2 मिनट पकने देंगे इसको। और एक तरफ से बिल्कुल ही अच्छे तरह से पक गया, और मैंने सब्जी भी पहले ही थोड़ी सी पका ली थी, इसलिए ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा पकाने में इसे। इसलिए मैंने पलटी कर लिया और कितना अच्छा बना है ये। एक तरफ से पक गया, इसे हम अब दूसरी तरफ से पकाएंगे। तरफ से पक गया, अब हम इसे उतार लेंगे और सारा ही हम इसी तरह से बना लेंगे।